सिसोदिया कैसेट की नई पेशकश। तो आदरणीय मेरे मेहरबानो, एक रागनी लेके आए महाशय विजेंदर शर्मा उर्फ बिन्नू शर्मा, गांव जमालपुर, महाशय धर्मवीर के बहुत प्रिय शिष्य है। और भाई मौका भी किस्सा पृथ्वी सिंकरण में ही में से, और बात उस समय से जब अकबर बादशाह के दरबार में उस रानी किरणमयी की निशानी और पृथ्वी सिंह की पटका और कटारी वो शेर खान पठान दे देता है, तो मेहरबानो दोष सिद्ध हो जाता है बादशाह अकबर के दरबार में शेर खान पृथ्वी सिंह के ऊपर, और उसको सजा फांसी की सुना दी जाती है। मगर फांसी देने से पहले पृथ्वी सिंह की आखिरी इच्छा पूछी जाती है मेरे मेहरबानो। तो पृथ्वी सिंह अपनी इच्छा में एक बार अपनी पत्नी किरणमयी से मिलने की अर्जी लगाता है मेहरबानों सिपाहियों के साथ। पृथ्वी सिंह को गढ़बूंदी के लिए रवाना दे दी जाती है रवानगी कि जाइए अपनी पत्नी से आखिरी इच्छा अपनी मिलके पूरी करके आइए। जैसे ही किरणमयी को पता लगती है महल के अंदर आज एक महीने की मोहलत के बाद मेरे पति पृथ्वी सिंह आए, आरती का थान लेकर गेट पे आ गई मेहरबानों, हाथ मार देते हैं राजा पृथ्वी सिंह और भरे क्रोध में क्या कहने लगते अपनी पत्नी रानी किरणमयी से, आइए सुनते हैं विजेंद्र शर्मा के मुखारविंद से। आरे तू सब जाने से नार बनरी मत भोली, हेरी मत करिए और जो हम बाने बटे या मैं तेरी मी
प्रयाण। हाँ तू नागन छलका जहर फला भगवान बता वन मन खुद दास भगवान बता वन जो नींद के नशे में हयार शरम सब खो पापन, अरे नाशन में तेरे ऊपर पूरी दुनिया में पतिव्रता के जिक्रा और लोगों को तेरे चर्चा किससे सुनाया करता था, मगर आज भरी दरबारों में तूने मेरी जड़ से नाक काट दी और क्या कहने लगा। नारे धर्म पैदगी उन सब सालियों की नाक डंक निकटगी हो उन सब सातियों की नाक डंक निकटगी आ तेरी शायर पलट गीतन भाई नहीं मेरी शान धरती फटगी आतन भाई नहीं मेरी शान धरती फटगी ओ तज हिंदू धर्म गई पठानी होली मत करिए
पसंद।